खबर हरदा से है, जहां किसानों को मूंग की फसल के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग के दौरान नहरों के माध्यम से इन किसानों को पानी उपलब्ध करवाने को लेकर फैसला लिया गया। हरदा जिला मुख्यालय में आयोजित इस मीटिंग में किसानों के साथ विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। हरदा जिले में मूंग की फसल के लिए नहर विभाग पानी दे रहा है, लेकिन आज तक टेल क्षेत्र में टेल टू हेड का बोला है इन्होंने, लेकिन टेल टू हेड आज तक नहर में पानी पहुंचा नहीं। बहुत तालाब भादू गांव खेड़ा रातो तलाई आज तक कभी पानी पहुंचा नहीं। गेहूं और सोयाबीन अपने चने की फसलों के लिए ही नहीं पहुंच पाता है। तो अगर इस बार अधिकारियों ने बोला है नहर विभाग और जिला पंचायत CEO, अगर ये पानी अगर इस बार नहीं पहुँचता है तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक थी आज जिले लेवल की, और जिले लेवल की बैठक में डिसाइड किया गया और हम लोगों के सबके किसानों की और हमारे भी सजेशन ये रहे कि सबसे पहले ओसराबंदी की जाए, टाइम से पानी दिया जाए, 20 तारीख को पानी छोड़ा जाए और इसके साथ ओसराबंदी प्रॉपर की जाए, और इसके साथ में जो जबरदस्ती हेडअप और जो नहर खोल के ले जाते हैं वो चीजें को कंट्रोल हो जाए तो निश्चित पूरे जिले को पानी मिल सकता है। वो सजेशन दिया है अधिकारी ने, आश्वस्त कराया है कि हम अगर इसका करेंगे कंट्रोल करके और 20 तारीख तक पानी की मांग हो गई। देखिए आप सबको पता है कि हमारा मूंग की खेती के लिए आज ये जल उपयोगकर्ता समिति की बैठक हुई थी, और इस बैठक में हमारे जितने भी कृषक संघ के लोग थे, हमारे किसान संघ के लोग थे, हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, माननीय विधायकगण थे, सब लोग इस बैठक में आज उपस्थित रहे। तो बेसिकली 3-4 मुद्दों पर आज बात हुई कि क्या सही उपयुक्त समय रहेगा जब पानी छोड़ा जाए, जो हमारी नहरों के माध्यम से किसानों के खेत तक पहुँच सके और वो समय पर मूंग की खेती कर सकें।